शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन। जो लोग यूट्यूब शॉर्ट्स डालते हैं सिर्फ अपने चैनल पर, क्या वो चैनल मोनेटाइज होंगे कि नहीं, एग्जैक्टली आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया जिनके शॉर्ट चैनल है, काफ़ी लोगों के मोनेटाइज हो रखे हैं शॉर्ट चैनल एंड काफ़ी लोगों के मोनेटाइजेशन नहीं हो रखे हैं। सो एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा शॉर्ट चैनल को मोनेटाइज करने के लिए और क्या गलती करोगे इससे आपका शॉर्ट चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, सारी चीज़ वीडियो में आपको पता चलने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। और उससे पहले अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। श्योर, देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आप YouTube शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और जब वो शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड वाले में देखो, शॉर्ट वाला ऑप्शन आता है ना YouTube में, वहाँ से अगर देखी जाती है तो वहाँ से जो वॉच टाइम मिलता है वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होता है। उसके अलावा जो आपकी शॉर्ट वीडियोस होती हैं जब शॉर्ट वाले टैब से देखी जाती हैं तो ऐसे में उस पर एड्स भी नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट से मोनेटाइजेशन के लिए वॉच टाइम काउंट नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, देखो बात ऐसी है, जो आप वीडियो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं ना आज के टाइम पे वो सर्च रैंकिंग में भी आती हैं। यस, कोई सर्च करता है वो कीवर्ड शॉर्ट वीडियो आपने बना रखी है तब भी वहाँ पर रैंक करती हैं। उसके अलावा ब्राउज फीचर में भी जाती हैं यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस, सजेशन में भी आई थिंक जाती हैं। तो जो आपकी शॉर्ट वीडियोस पर ट्रैफिक आएगा, जो व्यूज आएंगे ब्राउज फीचर से, सर्च से, सजेस्टेड से, वहाँ से जो वॉच टाइम मिलेगा वो आपके मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होगा। साथ में उस पर एडवर्टाइजमेंट भी आएंगे जिससे आपको अर्निंग भी होगी जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो यार कहने का मतलब है कि अगर आप खुद की वीडियो बनाते हैं, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेज पड़े हैं जिनका मोनेटाइजेशन नहीं है ऑन शॉर्ट का और सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, रीयूज कंटेंट आ रखा है, वो क्या करते हैं रैंडमली किसी की भी वीडियोज उठा के डाल देते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में और व्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं उस पर और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं, लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स चैनल हैं जो अपने वॉइस बिल्कुल भी नहीं लगाते वीडियोज में, बस ऐसे ही रैंडमली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं, उनके चैनल भी मोनेटाइजेशन नहीं होता है, रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहने का मतलब है अगर आप शॉर्ट वीडियोज बनाते हैं और उसमें आपका खुद का वॉइस है और फेस भी अगर है, अगर नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपका वॉइस है, आपका वीडियो खुद का है, तो ऐसे में आपके शॉर्ट चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे। एंड एक बहुत बड़ी बात यह है कि आज के टाइम पे शॉर्ट वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज आते हैं यूट्यूब पर। अब ऐसा क्यों होता है आई डोंट नो। जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं आज के टाइम पे रैंक भी करती हैं यूट्यूब सर्च में, साथ में सजेस्टेड में भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, ब्राउज फीचर में भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो शॉर्ट वीडियोज ही बनाते हैं उनकी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है एंड व्यूज भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो अगर आप अभी तक शॉर्ट वीडियोज नहीं बनाते हैं तो बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपका चैनल काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रो होगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरों की उठा के मत डालना शॉर्ट, वरना आपके चैनल अगर ग्रो हो भी जाएगा ना तब भी कोई फायदा नहीं होगा, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, ना कुछ सिल्वर पे बटन मिलेगा ना कुछ होगा। इसलिए खुद का वीडियोज क्रिएट करना, एटलीस्ट वीडियो में अपना खुद का वॉइस जरूर रखना और भी अपनी क्रिएटिविटी रखना, दूसरों की वीडियोस ओवरऑल यूज मत करना। चलो सोचे ना कि दूसरों की वीडियो डाल के हम पैसा कमा लेंगे, भाई नहीं कमा पाओगे, अगर कमा भी लोगे तो एक महीने दो महीने एक साल आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा चैनल वगैरह सब, है ना। तो खुद का कंटेंट बनाइए, अच्छी तरीके से अपलोड करिए यूट्यूब शॉर्ट पर, आपका भी चैनल मोनेटाइजेशन होनेबल हो जाएगा। सो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें एंड इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।